हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं एमसी स्टैन से। तो एमसी स्टैन जो है वो एक पिक्चर पोस्ट करते हैं, मैं रैपर कट्टर नो कैप। तो इसमें उन्होंने स्नॉट का एक ट्रैक ऐड करा हुआ था और साथ ही स्नॉट ने एक कमेंट भी करा हुआ था इस पोस्ट के नीचे। तो ऐसा लग रहा है कि इनका कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है। खैर, नेक्स्ट अपडेट जो है वो किंग की साइड से है। तो किंग जो है वो तलांजुम की ओपन लेटर एल्बम को अप्रिशिएट करता है और एक ट्वीट करता है, द ओपन लेटर हार्ट इमोजी एंड डायमंड। तो ऐसा लग रहा है कि उनको ये एल्बम काफी ज्यादा पसंद आई है। तो अब बात कर लेते हैं एमीवे के बारे में। तो एमीवे की अभी एक क्लिप देखने को मिली है और ये कहा जा रहा है कि एमीवे अपने नेक्स्ट गाने के शूट पे अभी। इसके अलावा मिंटा की तरफ से एक स्टोरी आई थी कर्मा के लिए, उल्टा लोटा लेके भाग गया इनका एक और वाना भी लेखक। रॉपसी जो है वो एक स्टोरी डालता है, यंग गालिब विनर। इसके अलावा मैंने आप लोगों को सुबह कर्मा का एक पोस्टर दिखाया था ओबराय होटल का, तो उसके नीचे एक भाई कमेंट करता है, भाई ये गालिब कितना लीटर दूध देती है एक दिन में। तो कर्मा लिखता है, दो राउंड तक देती है थोड़ा, राउंड थ्री में फुस। आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है, कौन जीता है, नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। तो अब बात कर लेते हैं पैराडॉक्स के बारे में। तो पैराडॉक्स का हस्ती रहे तू ट्रैक 2 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। तो अब बात कर लेते हैं एमसी स्क्वायर के बारे में। तो जैसे कि अभी इंडियन रेसलर्स जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं, तो बजरंग पुनिया जो है वो लाइव आए थे अपने इंस्टाग्राम से। तो उस लाइव को शेयर करता है एमसी स्क्वायर और कुछ ऐसा लिखता है, क्या चाह रही है सरकार, पहले किसानों को आतंकवादी बताया, अब खिलाड़ियों की स्थिति खराब कर रखी है, जय जवान जय किसान क्या सिर्फ कहने के लिए नारा है, कलाकारों का तो पहले ही जीना हराम कर रखा है। इसके अलावा वो राहुल साथू की एक स्टोरी रीशेयर करता है जिसमें राहुल साथू जो है वो एमसी स्क्वायर के ही ट्रैक पे वर्क कर रहे हैं। तो इसी के साथ मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।